हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे जॉन लॉक के बारे में। जॉन लॉक इज अ फेमस पॉलिटिकल थिंकर, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, और एक तरह से हम कहें तो उदारवाद का जनक भी जो है वह जॉन लॉक को माना जाता है, फादर ऑफ लिबरलिज्म, जिन्होंने जो है वह फ्रीडम को इम्पोर्टेंस माना है या फ्रीडम के जो है वह समर्थक थे स्वतंत्रता के। जॉन लॉक एक प्यूरिटन कम्युनिटी के मिडिल क्लास फैमिली के व्यक्ति थे। मिडिल क्लास फैमिली में उनका जो है वह बर्थ हुआ था, लेकिन उनको हायर एजुकेशन के लिए जो है वह ऑक्सफोर्ड कॉलेज भेजा गया, जहाँ से उन्होंने जो है वह एमए की डिग्री जो है वह प्राप्त की। जॉन लॉक एज ए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एज ए टीचर के रूप में भी उन्होंने जो है वह काम किया, लेकिन यह वर्क जो है वह उनके इंटरेस्ट का नहीं होने के कारण जो है वह जल्दी उन्होंने वहाँ से जो है वह रिजाइन कर दिया। और एक सुविख्यात जो है वह डॉक्टर के अंडर में उन्होंने 2 वर्ष तक की एजुकेशन जो है वह प्राप्त की, और बतौर एक डॉक्टर की निजी सहायक के रूप में उन्होंने काम किया। जब जॉन लॉक जो है वह केवल 10 वर्ष की एज के थे, तब इंग्लैंड में जो है वह पार्लियामेंट के जो समर्थक लोग हैं उनके बीच और जो सत्ता के पक्ष में जो समर्थक लोग हैं उनके बीच जो है वह कोल्ड वॉर होनी स्टार्ट जो हुई। एक तरह से गृह युद्ध का वातावरण था इंग्लैंड के अंदर, क्योंकि राज्य पक्ष के समर्थक लोगों का समूह अलग था और पार्लियामेंट के लोगों का समूह जो है वह अलग था। आप सभी को पता है कि ब्रिटेन में जो है वह मोनार्ची शासन रहा है, राजतंत्र रहा है, तो वहां पर वंशवाद को प्रमुखता दी जाती है। इसीलिए ब्रिटेन में जो है वह गणतंत्र की स्थापना के लिए, रिपब्लिक की स्थापना के लिए, जिसका मीनिंग होता है कि राजा जो है वह वंशानुगत नहीं हुआ। तो इस तरह से जो है वह ब्रिटेन या इंग्लैंड जो है वह 2 भागों में बट गया था। तो जो प्रजा पक्ष के जो समर्थक थे उनमें एक कम्युनिटी थी, प्यूरिटन कम्युनिटी, यानी कि जॉन लॉक जो है वह प्रजा पक्ष के समर्थक थे, पार्लियामेंट के समर्थक थे, और पार्लियामेंट के समर्थकों का जो लीडर था वो था ओलिवर क्रॉमवेल। यह पार्लियामेंट के समर्थक लोगों का लीडर था उस वक्त इंग्लैंड में 17th century के अंदर, और यह जो था वो एज ए लॉर्ड प्रोटेक्टर की तरह था, या हम ये कह सकते हैं कि उस वक्त एक तरह से हेड ऑफ स्टेट था। उस समय जो है वह ब्रिटेन के अंदर स्टुअर्ट राजवंश का शासन था। स्टुअर्ट राजवंश का जो है वह शासन था, और इस राजवंश में और ओलिवर क्रॉमवेल के समर्थकों के बीच में जो है वह गृह युद्ध का एनवायरनमेंट था। इस ओलिवर क्रॉमवेल की जो है वह डेथ 1658 के अंदर हो जाती है। होने के बाद में इंग्लैंड में जो है वह सबसे पहले जो है वह मोनार्ची शासन था, स्टुअर्ट राजवंश का शासन था, इन दोनों के बीच में जो है वह गृह युद्ध का वातावरण था, रिवोल्यूशन की क्रांति हुई। इस समय जो है वह स्टुअर्ट राजवंश को निष्कासित कर दिया गया, उनको हटा दिया गया, और इंग्लैंड के अंदर पार्लियामेंट की स्थापना हुई। पार्लियामेंट की स्थापना होने के कुछ वर्ष बाद ही क्रॉमवेल की जो है वह डेथ हो जाती है। 1658 के अंदर क्रॉमवेल की डेथ हो जाती है। क्रॉमवेल के डेथ होने के बाद में वापस स्टुअर्ट राजवंश को जो है वह इंग्लैंड बुलाया जाता है, उनको वापस जो है वह ऑथोरिटी दी जाती है, राजवंश की जो है वह ऑथोरिटी उनको दी जाती है। ठीक है, इस स्टुअर्ट राजवंश के बाद में जो है वह ब्रिटेन का शासक बनता है चार्ल्स द्वितीय जो है वह ब्रिटिश राजवंश का जो है वह शासक बनता है। वापस मोनार्की शासन जो है वह चलता है, और इस चार्ल्स द्वितीय के बाद में सत्ता आती है जेम्स द्वितीय के पास जो है वह इंग्लैंड की जो है वह ऑथोरिटी आती है, और जेम्स द्वितीय के टाइम वापस पुनः जो है वह पार्लियामेंट की स्थापना होती है, रिपब्लिक की स्थापना ब्रिटेन के अंदर होती है। और इस बार पार्लियामेंट की स्थापना होने पर जेम्स द्वितीय जो है वह एज ए राजा के रूप में, किंग के रूप में जो है वह हॉलैंड के राजकुमार विलियम को सत्ता संभालने के लिए बुलाता है। ठीक है, विलियम को जो है वह सत्ता
संभालने के लिए बुलाता है, किंग के रूप में हॉलैंड के राजकुमार को बुलाया जाता है। लेकिन जेम्स द्वितीय एक बिल ऑफ राइट्स के द्वारा जो है वह उस राजा के अधिकार को जो है वह सीमित कर लेता है। एक ऐसा लेटर निकाल जाता है जिसमें राजा के अधिकार जो है वह सीमित कर दिए जाते हैं और सारी सत्ता जो है वह पार्लियामेंट के हाथों में रहती है। इस दिन को जो है वह इंग्लैंड की जो है वह गौरवपूर्ण क्रांति कही जाती है, ग्लोरियस ब्लडलेस रिवोल्यूशन, बिना रक्त की क्रांति। मतलब एक विद्रोह हुआ जिसमें खून भी नहीं बहा और एकदम से जो है वह राजा के सारे अधिकार है, जो पावर है, वो पार्लियामेंट में ट्रांसफर हो जाती है, पार्लियामेंट के समर्थक लोगों के अंदर ट्रांसफर हो जाती है और राजा के अधिकार जो है वह सीमित कर दिए जाते हैं। और ये हॉलैंड का राजकुमार जो विलियम था वह जॉन लॉक का समर्थक था, तो उसने अपने जो है वह शासन काल में जॉन लॉक को कमिश्नर ऑफ अपील्स की संज्ञा दी थी। मतलब उनको एक पद दिया था कमिश्नर ऑफ अपील्स। उसके बाद में जॉन लॉक कुछ टाइम अस्वस्थ रहे और करीब 1704 में उनकी डेथ हो जाती है। जॉन लॉक ने बहुत सारे जो है वह महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। उनकी बहुत सारी जो बुक है वो उनकी 50 वर्ष की एज के बाद ही पब्लिश हुई थी। लेकिन इंग्लैंड में जब क्रांति हुई तो उसमें उस समय जो है उन्होंने अपनी बुक लिखी है, उसका नाम है टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, जिसमें उन्होंने जो है वो रिवोल्यूशन क्रांति का जो है उन्होंने समर्थन किया है। जॉन लॉक ने और भी बहुत ही फेमस रचना लिखी है, लेटर ऑन टॉलरेंस 1689 के अंदर। इसके 4 एडिशन है, एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, यह भी जॉन लॉक की फेमस रचना है। तो जॉन लॉक के टाइम इंग्लैंड में गृह युद्ध का एनवायरनमेंट था। जॉन लॉक जब 10 ईयर का था तब स्टुअर्ट राजवंश का शासन था। उस समय जो है वो पार्लियामेंट और स्टुअर्ट राजवंश के पक्ष के लोगों के बीच में जो है वह क्रांति हुई। उस समय जो है वह स्टुअर्ट राजवंश को हटाकर रिपब्लिक की स्थापना हुई। लेकिन फ्रॉम दैट की डेथ के बाद में वापस स्टुअर्ट राजवंश को बुलाया जाता है, इंग्लैंड के अंदर मोनार्की शासन स्थापित किया जाता है। लेकिन फिर बाद में चार्ल्स द्वितीय बनता है तो उसके टाइम में मोनार्की शासन ही रहता है, राजतंत्र की स्थापना एज इट इज इंग्लैंड में रहती है। लेकिन चार्ल्स द्वितीय के बाद में जब जेम्स द्वितीय बनता है तो उसके टाइम वापस पार्लियामेंट के समर्थक लोग रिपब्लिक की स्थापना करते हैं और उस समय वह हॉलैंड के राजकुमार विलियम को एज ए किंग के रूप में नियुक्त करने के लिए बुलाता है और एक अधिकार पत्र निकालता है जिसे बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। इसके द्वारा राजा के सारे अधिकार जो है वह सीमित कर लिए जाते हैं। इसको कहा जाता है ग्लोरियस ब्लडलेस रिवोल्यूशन, बिना रक्त की क्रांति। और यह इंग्लैंड का एक महत्वपूर्ण दिन होता है, ठीक है। इसके बाद में जॉन लॉक की एक फेमस रचनाएं जो है वह बच्चों ये यहाँ तक लिया। अब हम पढ़ेंगे जॉन लॉक की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में। जॉन लॉक जो है वह एक तरह से जो है वह राज्य का समर्थक था, लेकिन वह एक स्टेट पर, मतलब राज्य की जहाँ पर बहुत ही श्रेष्ठता स्थापित होती है वहां पर राज्य को एक आवश्यक बुराई भी जॉन लॉक मानता है, ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर।